तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से है? सर मेरा नाम सुजीत, उड़ीसा से। उड़ीसा से? थोड़ा सुजीत तेज बोलिएगा। तो जी, आज हमारी तीसरे दिन यूएमसी क्लास चल रही है। ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड पे भी काम चल रहा है, तो हैंड स्किल का भी काम करा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है काम? जी सर बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, केवल सर काम करते हैं, खुद से सर प्रैक्टिकल करा रहे हैं आपको? जी सर। सर प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आपको? प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हम भी खुद प्रैक्टिकल। कितने बोर्ड में अभी तक काम कर लिए? मैंने दो बोर्ड काम कर लिए। दो बोर्ड पे काम कर लिया। इस पे काम ये तो लग ही नहीं रहा कि पेस्टेड बोर्ड है, झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, पेस्टेड बोर्ड था। तो ये कौन सा मॉडल है बताइए तो? ये रेडमी 9 है, वीवो Y12। इसका भी आपने किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं Y12। ये जो नीचे का अपर लेयर डैमेज हुआ है, तो वाटर डैमेज था सर। ओके, वाटर डैमेज था। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी यूएमसी क्लास और ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड पे काम करके? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुद से किया है? जी सर। कितना हीट देना है, कितना टेम्परेचर देना है, सब कुछ पता चला है? जी सर। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? सर बहुत अच्छा। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है वो खुद आ सकते हैं, आ सकता है, सीख सकता है। जी सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। थैंक यू। हाँ जी, उड़ीसा से। तो बताइए, आज हमारी यूएमसी की तीसरे दिन की क्लास चल रही है, तो कैसी लग रही है यहाँ पे एमएमसी क्लास अभी? हाँ सर, अभी तो 3 दिन हुए, आज तीसरा दिन है। तो एमएमसी क्लास में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपको ब्लैक पेस्टेड और वाइट पेस्टेड का भी काम सिखाया जा रहा है, हाँ, तो अभी आपने कितने बोर्ड में प्रैक्टिकल कर लिया आपने? अभी तीसरा दिन है, मतलब तीन बोर्ड पे काम कर लिया आपने। तो ये बोर्ड पे आपने काम किया हुआ है? हाँ, ये ब्लैक पेस्टेड है। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने क्लीनिंग किया हुआ है और अच्छे से रिवॉल्व भी किया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं बाजू वाले का आपने बोर्ड ले लिया हो रिव्यू देने के लिए? खुद से किया हुआ है? हाँ। इससे पहले करते थे ब्लैक पेस्टेड? नहीं, आईसी का काम तो नहीं करते। आईसी का काम करते ही नहीं थे, अभी ब्लैक पेस्टेड का काम करके कैसा लग रहा है? हाँ सर, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब अभी थोड़ा तो कॉन्फिडेंट आ गया है। तो अगर आपसे बोला जाए चलिए आप लाइव काम करिए, लाइव निकालिए, तो क्या आप निकाल लोगे? लाइव निकाल लोगे? हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं आईसी पे बात करूँ कि कोई भी ब्लैक पेस्टेड हो या हार्ड वाइट पेस्टेड हो या कोई भी पेस्टेड हो, उसको आप इजीली तरीके से क्लीन करते? हाँ, निकल के बैठा। बॉल डैमेज अब प्रैक्टिकल करने को डेली मिल रहा है ना? हाँ, मिल रहा है। ऐसा तो नहीं केवल एक दिन बता दिया हो उसके बाद प्रैक्टिकल? नहीं, अभी तो तीसरा दिन है, तीसरा दिन मतलब तीन बोर्ड का काम हुआ है। और मिलन सर के साथ क्लास कैसे चल रही है? हाँ, बहुत बढ़िया सर। फिर प्रैक्टिकल चल रही है? प्रैक्टिकल हो रही है, अभी तो प्रैक्टिकल चल रहा है। तो मतलब कुछ भी अभी आपका 90% कंज्यूम हेल्थ रिपेयर करना हेल्थ के बारे में सर, कैसे क्लास नहीं हो रही है, क्लास होने के बाद क्या एरर आ रहा है, तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बढ़िया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो अरे, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? जी मोहम्मद सलीम सोफी, जम्मू एंड कश्मीर। मोहम्मद जी कश्मीर से हैं आप। तो आज हमारी एमएमसी की तीसरे दिन की क्लास चल रही है। जी सर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कैसी चल रही है एमएमसी क्लास? सर मतलब जितना हमें सर ने बोला था कि कितना ईजी होने वाला है, बराबर सर उतना बराबर चल रहा है, ईजी हो रहा है। उसके साथ साथ ब्लैक पेस्टेड का भी काम सीखा जा रहा है? हाँ सर, ब्लैक पेस्ट में मतलब कि सुनने में यार, मतलब सुना भी था, देखे भी थे, कोशिश भी की थी कभी कभी निकालने में, तो नुकसान ही करते थे। तो ब्लैक पेस्ट दो टाइप के आते हैं, एक नॉर्मल वाला होता है, एक हार्ड वाला होता है। दे, दे, दे। तो मैंने हार्ड वाला एक दो मदरबोर्ड लाए थे साथ में, और आज तीसरे दिन उस पर काम किया। कितने बोर्ड पे अभी तक आपने काम किया? 3 बोर्ड। ऐसा तो नहीं केवल एक काम कराया जा रहा है, अरे एक बार काम कर लो फिर बाकी घर जाके कर लेना? नहीं सर, मेरे पास 3 बोर्ड 3 टाइप के थे। डेली आपसे काम कराया जा रहा है प्रैक्टिकल? डेली प्रैक्टिकल भी थोड़ी भी। ये आपने बोर्ड दिखा देते हैं हम आपको, ये देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने क्लीनिंग किया हुआ है और आईसी भी बहुत अच्छे से क्लीन किया हुआ है, कोई भी बॉल और कोई भी मिसप्रिंट नहीं हुआ है। तो ये खुद से किया है? जी सर। कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत मजा आ रहा है ब्लैक पेस्टर पे काम करके, बहुत मजा आ रहा है। जैसा बोलते थे कि हलवा है, तो क्या वाकई में हलवा लग रहा है अभी? बटर बोले थे हलवा। अच्छा, तो हलवा तो थोड़ा हाथ में महसूस होता है, बटर हाथ में लेते तो महसूस भी नहीं होता है। तो वाकई में ये जो काम सिखाया जा रहा है सर, टेक्निक हो, सही तरीका हो, पता हो, तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ इम्पॉसिबल नहीं, तो यहाँ सही होना चाहिए। हाँ सर, ट्रिक अगर तरीका सही है सब तो बता देते हैं तो वो मेन चीज़ है। टेम्परेचर कितना रखना है, हीट कितना रखना है, कब मूवमेंट करना है आईसी को, कब मूव कराना है, कैसे इसको लिफ्ट करना है। मतलब पहले ऐसे भी होते थे कि हम पहले थोड़ा लिफ्ट करते थे, फिर यूट्यूब में देख के वो थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो हम भी उठाते, तो नीचे पता नहीं कितने ट्रैक मिस। और यहाँ बराबर दिखाते हैं कि लिफ्ट कैसे करना है। सर बहुत बढ़िया लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से आप? सर मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम प्रकाश है। नेपाल से हैं आप? तो बताइए प्रकाश जी कि आज तीसरे दिन क्लास हमारी एमएमसी क्लास चल रही है। जी सर। डेली आपसे प्रैक्टिकल कराया जा रहा है और आपको थ्योरी भी सर आपको प्रैक्टिकल के साथ समझा रहे हैं? दोनों, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों। तो आपके कुछ फ़ोन आए थे? आए थे। क्या फ़ोन था आपका, क्या फॉल्ट?
क्या फॉल्ट पता चला? वो एमएमसी प्रॉब्लम था। तो क्या प्रॉब्लम निकला उसमें? एमएमसी को हेल्थ रिपेयर किया हो गया सर, अपने आप से। खुद से किया था आपने? ऐसा सर ने किया हो? नहीं सर, हमने खुद से किया। तो ब्लैक पेस्टर पे काम डेली कराया जा रहा है? डेली कराया जा रहा है। अभी भी देख सकते हैं कंटिन्यू इनके बोर्ड में लगा हुआ है, ये अभी भी निकाला है उन्होंने, देख सकते हैं सीपीयू और यहाँ पे ये निकाला हुआ है। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी ब्लैक पेस्टर पे काम? इससे पहले ब्लैक पेस्टर काम करते थे? कभी नहीं किया है। तो अभी ब्लैक पेस्टर पे काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आराम आराम से हो रहा है। नेपाल से अगर कोई आना चाहे तो आ सकते हैं। तो करना है, बहुत हार्ड लग रहा है यहाँ पे एमएमसी क्लास? दिन दिन कम हल्का लग रहा है। हल्का रहा है अभी? स्टेप बाय स्टेप जो समझाया जा रहा है, पढ़ाने का तरीका कहीं हार्ड तो नहीं है? नहीं नहीं सर। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते हैं सर, अगर इस फील्ड में काम करना तो आ सकते हैं। कि आना ही चाहिए? आना ही चाहिए, नहीं तो इसे टाइम पास। आपको पैसा वसूल हो रहा है? हो रहा है सर। चलिए ठीक है, स्टूडेंट हो रहे हैं। अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम सोनंद है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। नाम फिर से रिपीट करिएगा। स्वानंद, महाराष्ट्र। स्वानंद जी, स्वानंद जी बताइए, आज हमारी जो क्लास चल रही है एमएमसी की, तीन दिन की क्लास हो चुकी है, हो रही है अभी, हुई नहीं है, कंटिन्यू पे है। तो आज एमएमसी का क्या कंसेप्ट चल रहा था? आज हमारा हेल्थ रिपेयर का कंसेप्ट था कि पहले हेल्थ आइडेंटिफाई कैसा करना है, उसके बाद उसका हेल्थ सही है कि नहीं है, डीटी करना है, डीटी कैसे करना है, डीटी के बाद हम उसमें क्या फॉल्ट है, उसमें कौन सा एरर आता है, और हीरो आने के बाद क्या क्या प्रोसीजर करना है, वो सब आज प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल स्टूडेंट ही कर रहे हैं? नहीं नहीं, स्टूडेंट सब स्टूडेंट ही कर रहे हैं, टीचर कुछ भी नहीं कर रहे, खाली पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहां पे अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, और ये माउस देख सकते हैं स्टूडेंट के हाथ में ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइव है। तो बताइए उसके साथ साथ हैंड स्किल का भी काम सिखाया जा रहा है? स्किल तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले दिन हमने किया तो अभी तक कितने बोर्ड पे कर लिया आपने? चार पांच बोर्ड हो गया अभी तक। चार पांच बोर्ड हो गया। पेस्ट कैसा कटिंग करना है, हिट कितना आज भी किया कुछ आपने? देख सकते हैं इन्होंने क्या क्लीनिंग के साथ, एक भी मिसप्रिंट नहीं है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं, और ये आईसी भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। क्या व्हाइट पेस्ट है या ब्लैक पेस्ट? ब्लैक पेस्ट। कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्ट पे काम? ब्लैक पेस्ट अभी नॉर्मल जैसा लग रहा है, कंसेप्ट ही क्लियर हो गया है। पहले करते थे नहीं करते थे, तो यहाँ का तरीका और ट्रिक्स कैसा लग रहा है? तरीका तो इधर जबरदस्त मिलता है, और इधर का जो तरीका बताया तो ऐसा कि नॉर्मल जैसा आईसी हम निकालते हैं वैसा ही ब्लैक पेस्ट, जो व्हाइट पेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एक मेरा मोबाइल भी था, नोट 5 का मोबाइल आया था मेरे पास पहले 2-3 महीने पहले, तो वो नेटवर्क के लिए आया था। अच्छा, मोबाइल तो ऑन था, खाली नेटवर्क के लिए आया था, पर नॉलेज न होने के कारण हमने खाली उसका बोर्ड खोला और उसके खाली WDR पे हिट दिया था, उसके कारण मोबाइल डेड हो गया था, कुछ लोगों पे आ गया था। तो आज इधर आके हमने देखा तो उसका आईसी का हेल्थ खराब हो गया, गलत हीट पड़ने के कारण। तो बाद में हमने आईसी का आज खुद से निकाल के रिपेयर किया, U5 में डिटेक्ट किया, और उसको हेल्थ रिपेयर करके फिर वो मोबाइल चालू किया फ्लैशिंग करके। तो अभी तक कैसा लग रहा है? अभी तक जबरदस्त है सर, एकदम नॉलेज जबरदस्त मिल रहा है। मोहम्मद फरमान सर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद जी बताइए, आज हमारी तीसरे दिन की एमएमसी क्लास चल रही है, कैसी लगी क्लास? बहुत बढ़िया सर, पूरा मजा आ रहा है। पूरा मजा आ रहा है? पूरा मजा तभी आता है जब आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी मिलता है। जी सर। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ अभी कितने फोन आपने लाइव देखे डायग्नोस? 4-5 तो सर अभी हो चुके हैं। 4-5 अभी हो चुके हैं, अभी लगे हुए हैं, अभी और भी फोन लगे हुए हैं। तो बताइए उसके साथ साथ हैंड स्किल का भी काम सिखाया जा रहा है? जी सर, सब कराया जा रहा है। तो आपने अभी तक कितने ब्लैक पेस्टर व्हाइट पेस्टर पे काम कर चुके हैं अभी तक प्रैक्टिकल? सर यहाँ आने से पहले तो किसी पे भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी कल से कर रहे हैं। अभी परसों से कर रहे हैं? परसों से। कितने बोर्ड पे काम कर लिए? 3 बोर्ड पे कर चुके हैं सर। 3 बोर्ड पे आज भी कुछ काम किया है? जी सर आज भी किया है। देख सकते हैं इन्होंने कितनी, एक भी फोन किसका है बताइए? ये सर अपना ही है। अरे फोन ओप्पो का है? ओप्पो का तो बहुत हार्ड पेस्टेड होता है, देख सकते हैं इन्होंने एक एनसी पैड भी साथ हुआ है, और एक एनसी पैड तक इन्होंने नहीं निकाला है। जी सर। इससे पहले काम कर पाते थे? नहीं सर, इससे पहले। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। एक एनसी पैड तक नहीं निकला और इस पे आप काम कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। कल तो निकल भी गया था एनसी, आज कोई एनसी भी नहीं निकला है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है? बढ़िया सर। बढ़िया लग रहा है जी सर। इस लेवल का काम इससे पहले या फिर और कहीं भी ऐसा सिखाया जा सकता है? नहीं सर, मुझे तो लगता नहीं कि इस हिसाब से इतनी जल्दी काम सिखा दिया जाए। तो अभी हर एक दिन नया सीखने को मिल रहा है? नया नया सब सीखने को मिल रहा है। अभी आपको अगर आपके यहाँ से कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है सर। बिल्कुल आ सकता है कि आना ही चाहिए? नहीं आना चाहिए सर, जिसको काम करना है आगे लाइफ में काम करना है वो उसको यहाँ पे आना चाहिए। आना चाहिए जी सर। चलिए थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से हैं? गौरव, राजस्थान से।
गौरव जी राजस्थान से, तो आज बताइए इमेंसी क्लास, तीसरी दिन की इमेंसी क्लास चल रही है, तो क्या कराया जा रहा है तीसरे दिन की इमेंसी क्लास? तीसरे दिन की सर आज हमें हेल्थ रिपेयर करानी है कि एक अगर स्टोरेजाइसिक हेल्थ ख़राब है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, उसके साथ साथ हैंड स्किल का भी काम कराया जा रहा है सर, ब्लैक पेस्टेड पे काम कराया जा रहा है, ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड पे काम, ये शुरू दिन से ही कराया जा रहा है केवल आज ही कराया जा रहा है? नहीं सर, एमएम से ही जिस दिन से क्लास थी उस दिन से करवाया जा रहा है ब्लैक पेस्ट। तो एक बात बताइए, यहाँ पे डेली कराया जा रहा है कि केवल वन टाइम करा करके छोड़ दें? डेली। तो आपने कितने बोर्ड में अभी तक काम कर लिया? तीन चार बोर्ड में कर दिया। तीन चार बोर्ड में काम कर लिया, आज भी कुछ किया है? आज भी निकाला है सीपीयू निकाला। ये देख सकते हैं इन्होंने सीपीयू निकाला हुआ है, बिना जो डॉट डॉट दिख रहा है वो ड्राई सोल्ड है, मैं आपको बता दूं। वो वहाँ पे बॉल, क्या बॉल में स्प्रिंट हुए क्या? नहीं सर, नहीं हुए, नहीं हुए हैं। वो जो डॉट डॉट दिख रहा है ड्राई सोल्ड है, ड्राई सोल्ड है कुछ इंच। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे इससे पहले काम करते थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो अब भी काम करके कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। वापस भी नहीं जाने देंगे कोई से? वापस नहीं जाने देंगे। अपने हैंड स्किल के ऊपर है और आपके मेहनत के ऊपर है, तो अगर आपके यहाँ से कोई आना चाहे तो बेशक आ सकता है। बेशक आ सकता है। आपके पैसे वसूल हो रहे हैं? आना ही चाहिए। आपके पैसे वसूल हो रहे हैं? सोच रहा है वो जरूर आए पैसे से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना नाम और कहाँ से है? सर मैं दीपक, मुजफ्फरनगर यूपी वेस्ट से। मुजफ्फरनगर यूपी, दीपक जी। तो बताइए आज हमारी विम से कितने दिन क्लास होगी? सर थ्री डेज हो गए सर। थ्री डेज हो गए, तो तीसरे दिन में क्या कराया जा रहा है? सर आज हमें सर ने मतलब जो एएमसी को निकालने के बाद उसको रिवॉल्व करना, रिवॉल्व करने के बाद उसको मतलब हेल्थ चेक करना। ओके। हेल्थ चेक करने के बाद अगर हमारी हेल्थ ख़राब है इसको मतलब रीप्रोग्रामिंग करना, कैसे उसको जीपी राइट करना, ये सब कुछ बताया गया सर? सर सब कुछ बताया। उसके बाद अपने फ़ोन में मतलब उसको लगाना, पीसी में लगाने के बाद उसको फ़ोन को मतलब फ्लैश करना। ओके। तो इतना प्रोसेस आप सीख रहे हो, तो समझ में आ रहा है जो प्रोसेस सर बता रहे हैं? ऐसा तो है जो सर बता रहे हो समझ में ना आ रहा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, सर जो बता रहे हैं मतलब इस तरीके से बता रहे हैं बिल्कुल सब समझ में आ रहा सर। ओके। तो उसके साथ साथ हैंड स्किल का भी काम करा सर? हाँ प्रैक्टिस सर, ये मेरा बोर्ड था उसका ब्लैक, नहीं ब्लैक पेस्टेड था, मैंने इसमें सीपीयू निकाला, नहीं नहीं सर ब्लैक पेस्टेड था ये डिस्प्ले लगा हुआ ब्लैक पेस्ट, इसे निकाला रिवॉल्व कर लिया, अब इसको मैं इसमें दोबारा से रिमाउंट करूँगा। तो इससे पहले करते थे? नहीं सर मैंने। कहाँ सीखे आप? कहीं नहीं सीखा था। अब कहाँ सीखे? नहीं अब तो, अब तो मैं यहीं पे सीखा सर, एशिया टेलीकॉम में। एशिया टेलीकॉम में सीखा। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। अब पहले के दीपक में आपके दीपक में कितना फर्क है? जमीन और आसमान का। सच बोल रहे हैं? रियली। तो ओवरऑल अगर आपके यहाँ से कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है? आ सकता है, आना संकोच आना ही चाहिए क्या? विदाउट रिस्क, नो टेंशन, आ सकता है सर। कितने बोर्ड में काम कर लिया सर? मैंने मतलब जब से स्टार्टिंग से तो बहुत सारे बोर्डों पे कर लिया। अरे अभी अभी फिलहाल मैं सर दो बोर्ड पे पीसी पे गया, बाकी है मेरे पास। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से हैं? सर मेरा नाम अजीम है, मैं तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना से हैं। तो अब बताइए आज हमारी कितने दिन की क्लास हो गई एमएमसी की? सर आज तो थर्ड डे चल रहा है। एमएमसी के थर्ड डे चल रहा है। जो प्रोग्रामिंग, जो हेल्थ रिपेयर सिखाया जा रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा है वो सारा चीज़। स्टूडेंट ही कर रहे हैं कि सर कर रहे हैं? नहीं सर स्टूडेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके साथ साथ एमएमसी के साथ साथ आपको हेल्थ रिपेयर भी कराया जा रहा है? हाँ सर। हैंड स्किल का भी काम सिखाया जा रहा है? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सर। कितने बोर्ड में काम कर लिया अभी तक आपने? सर और दो तीन बोर्ड पे काम किया। क्या फिनिशिंग के साथ इन्होंने देखिए काम किया? वो ब्लैक पेस्टेड ही है और आईसी भी क्लीन है और रिवॉल्विंग भी है। कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा है। पेस्टेड आईसी तो कभी सोच भी नहीं सकता कि कर सकता हूँ करके। अच्छा, उतना डर लगता था जी, बट स्टार्टिंग जब स्टार्ट किया था, जब सर बता रहे थे तो लग रहा था कि शायद कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट जब मैं ट्राई किया तो बहुत ईजिली हो गया सर। वो टेक्निक से वो एकदम ट्रिक आसान है इसकी वजह से हो रहा है। तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे अभी जो कोई देख रहा है और ब्लैक पेस्टेड पे किसी को डाउट हो रहा है कर पाएंगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, अगर टेक्निक चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ आके ही वो टेक्निक मिलेगी। ओके। ऐसा तो मिलने वाली नहीं, यूट्यूब से तो टेक्निक कोई मिलने वाली नहीं है उससे। कैसा रहा ओवरऑल? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। मोहम्मद नौशाद जी बताइए हमें आज हमारी एमएमसी कितने दिन क्लास हो गई? सर आज थ्री डे है। तीसरी दिन की क्लास चल रही है यहाँ पे। तो तीसरी दिन की क्लास में क्या कराया जा रहा है आज? क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है एमएमसी? आज जो है एमएमसी का मतलब प्रोग्रामिंग है, उसकी जो हेल्थ खराब हो जाती है वो कैसे रिपेयर करना है, कौन सी एमएमसी मतलब रिपेयर कर सकते हैं हम, कौन सी खराब है उसको चेंज ही करना है, मतलब ये सब कुछ सब कुछ अभी चल रहा है। प्रैक्टिकल चल रहा है कि थ्योरी थ्योरी चल रहा है? नहीं सर थ्योरी भी चल रहा है और प्रैक्टिकल भी फिलहाल हम कर रहे हैं, साथ में चल रहा है। जी और उसके साथ हैंड स्किल का काम, ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड का भी काम सीखा जा रहा है। इससे पहले आप करते थे? नहीं सर नॉर्मल भी नहीं करते थे, तो ब्लैक पेस्टेड है।
अभी आपने अभी तक तीन दिन में कितने बोर्ड पे काम कर लिए? सर आज दो पे किया, कल एक पे, यानी कि चार बोर्ड पे कर चुका। चार बोर्ड पे कर लिए। आज कौन से बोर्ड पे किया आपने? दिखाई ये देखो सर, ये देख सकते हैं क्या क्लीनिंग के साथ किया हुआ है। एक भी एनसी तक नहीं ऐड हुआ है। ये सर ये भी है, ये आईसी की भी क्लीनिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा तो नहीं है कि वीडियो के लिए आपने किसी और का उठा लिया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, सब मेरा ही है। झूठ बोल के क्या होगा, अपना ही नुकसान है। अपना ही नुकसान, ये तो आपने बहुत सही बात बोली। बताइए कैसा लग रहा है मोहम्मद जी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और प्रोग्रामिंग क्लास कैसी चल रही है? प्रोग्रामिंग की क्लास भी बहुत अच्छी लग रही है। और जी ऐसे टेलीकॉम की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चा यहाँ पे आना चाहता है तो बेझिझक आ सकता है, क्योंकि मैं भी पहले आने से पहले ये सोचता था कि होएगा या नहीं होएगा, पर यहाँ आने के बाद सब पॉसिबल है, कोई अनपॉसिबल नहीं। क्योंकि केवल एक बार आपको बोल दिया जाए, अरे यार आप बस एक ही बार। नहीं सर, जो भी डाउट होते हैं हमारे क्लियर होते हैं। ऐसे तो मतलब पढ़ाने का तरीका ही अलग है, जो डाउट वैसे तो बनते नहीं, पर ये डाउट बनेंगे तो तभी क्लियर होंगे। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? मेहुल नाम है सर मेरा, गुजरात से। मेहुल, मेहुल जी आज मिमसी की कभी भी आपने ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड पे काम किया था? कभी नहीं किया था इससे पहले? कितने सालों से? आईसी पे भी काम नहीं किया था। तो अभी ब्लैक पेस्टेड का काम सिखाया जा रहा है, प्लस प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है, हार्डवेयर आप सीख चुके हो, सॉफ्टवेयर आप सीख चुके हो, तो एमएमसी क्लास कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। भी प्रैक्टिकली चल रही है। आपने कुछ फ़ोन लेकर के आए थे एमएमसी से रिलेटेड? नहीं सर, यहाँ ऐसे ही अभी नहीं लेकर के आए थे। तो अभी आज आपने कितने बोर्ड पे काम कर लिया? आज मैंने एक बोर्ड पे काम कर लिया। अभी तक कितने बोर्ड पे काम कर लिया? तीन बोर्ड पे सर। तीन बोर्ड पे? झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, सच बोल रहे हैं। तो इससे पहले आप ब्लैक पेस्टेड पे काम नहीं कर सकते थे? नहीं। अभी कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टेड पे काम करना? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हार्ड लग रहा है? नहीं सर। बॉल उखड़ रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ। रिबॉलिंग में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, रिबॉलिंग में भी कुछ भी नहीं दिक्कत है। तो कैसा रहा अभी तक का सफर आपका? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रहा। अगर बोला जाए कि आपको, चलिए एक एमएमसी की हेल्थ ख़राब है, जीपी जब जैसे हमें हेल्थ रिपेयर करना है तो किस क्या क्या स्टेप होने चाहिए, बैकअप कैसे लेना है, फिर रीड कैसे करना है, राइड कैसे करना है, जीपीटी कैसे करना है, ये सब कुछ पता चला आपको? सर, ये सब जितनी मैं बातें बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। हाँ सर। कैसा रहा ओवरऑल? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू। और अपना नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम राजकुमार, उत्तर प्रदेश से बलिया से हूँ। राजकुमार जी उत्तर प्रदेश से हैं। तो बताइए आज हमारी एमएमसी की तीसरे दिन की क्लास चल रही है, कैसी चल रही है अभी तक की क्लास? तो बहुत अच्छे से सर ने एक ट्रिक बताए और उसमें से मैं, मेरा प्रिंट भी नहीं उखड़ा, एक दो उखड़ा तो उखड़ा। वो हैंड स्किल भी चल रहा है, प्लस हाँ। उसके साथ एमएमसी की क्लास कैसी चल रही है? एमएमसी की क्लास अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, विद प्रैक्टिकल के साथ चल रहा है? प्रैक्टिकल के साथ। ओके, तो अभी आपने कितने बोर्ड ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड पे काम कर लिया अभी तक? कल दो, आज एक। तो ऐसा तो नहीं है केवल बोल दिया जाए एक दिन कर लो बाकी घर जाके कर लेना? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। डेली करा रहे हैं आपसे? हाँ, डेली हैंड स्किल पे काम कर रहे हैं। बस सर ट्रिक बताए, ट्रिक वापस करना है जी, उसी को फॉलो करना। तो ट्रिक है, ट्रिक अगर अच्छा है तभी तो कर पा रहे हैं आप। हाँ, कि ट्रिक सही नहीं है और काम ना कर पा रहे हो। हाँ जी सर, अच्छा है। तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं इन्होंने आईसी भी बहुत अच्छे से क्लीन की हुई है, रिबॉलिंग इनका बाकी है। एक बार आईसी हटाइएगा नहीं तो लोग बोलेंगे नीचे से प्रिंट डैमेज हो चुका है। तो कैसा लग रहा है अभी आईसी पे काम करके? अच्छा लग रहा है। इससे पहले करते थे आप? नहीं, इससे पहले मैं तो काम ही नहीं करता। अच्छा, काम ही नहीं करते थे आप। तो अभी काम करके कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, अब अपना काम करके कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको लग रहा है कर लेगा। अगर आपसे लाइव कराया जाए, चलिए एक लाइव बोर्ड में ब्लैक पेस्टर का काम करिए, क्या बोलते हो, होगा कि नहीं? कर पाएंगे? हाँ कर लेगा, जो सर बताए तो उसको तो कर ही लेगा। कैसा लगा अभी तक का सफर? अच्छा है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? जी मेरा नाम सुभाष कुमार कसौजन है, मैं उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर से हूँ। सुभाष जी, सुभाष जी हमें ये बताइए कि आज हमारी एमएमसी की तीसरे दिन की क्लास चल रही है जी, तो प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है? जी सर, दोनों कराया। अगर मैं ब्लैक पेस्टर्ड व्हाइट पेस्टर्ड की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं इन्होंने पहले से ही खोल के इतना रखा हुआ है। ये आपने ऐसे कहीं से बोर्ड उठा लिया है कि खुद से किया हुआ है? मैंने सर खुद से किया है। खुद से किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे तीन फोन पे कर दिया यहाँ पे। तो बताइए सुभाष जी कैसा लग रहा है अभी ब्लैक पेस्टर्ड? बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार मैं फ्रेशर हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि वही कि ये बिल्कुल फ्रेशर है, इस फील्ड से थे ही नहीं, और इस फील्ड से ना होते हुए भी इन्होंने देख सकते हैं कि ब्लैक पेस्टर्ड पे काम इतना अच्छा किया हुआ है। कैसा लग रहा है अभी अंदर से, क्या कॉन्फिडेंस लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है और इच्छा ये भी करा कि और ज़्यादा करूँ इसमें अभी, क्योंकि देखिए आप फ्रेशर हैं। मैं भी एक आपको संदेश देना चाहूँगा कि ये फील्ड केवल आपको एक ट्रिक बताई जाती है, करना खुद से पड़ेगा, मेहनत खुद को करना पड़ेगा। जितना मेहनत करेंगे उतना आप अपना नाम कमा सकते हैं। तो बताइए अभी तक की क्लास कैसी चल रही है आपकी? सर क्लास बहुत अच्छा चल रहा है और सर दूसरा नंबर जो हमारे मिलन सर क्लास हमको दे रहे हैं, जो ट्रिक दे रहे हैं जी, बहुत अच्छा ट्रिक दे रहे हैं, उससे हम लोग मतलब
सब कुछ हम लोग कर ले रहे हैं, बढ़िया कर पा रहे हैं। क्योंकि ठीक अगर ख़राब होता या फिर समझ में नहीं आता तो आप सारे बॉल डैमेज कर देते, रिबॉलिंग अच्छे से नहीं कर पाते, तो अभी तक की क्लास कैसी रही ओवरऑल? सर क्लास बहुत अच्छी थी, अगर हम लोग कोई डाउट भी रहता है तो हम लोग तुरंत मिलन सर से पूछ लेते हैं कि सर हमें, तो सर डांट देते हैं? नहीं सर, तुरंत हम लोग का डाउट क्लियर कर देते हैं, तुरंत करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। और हैं अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम है आयन, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आयन जी वेस्ट बंगाल से हैं आप, तो बताइए आज हमारी एमसी की क्या क्लास चल रही है, क्या कंसेप्ट आज पढ़ाया जा रहा है एमसी में? एमसी की मतलब आइडेंटिफिकेशन हो रहा है जो यूएफआई में लगा के, और उसका हेल्थ चेक किया जा रहा है, और जो हेल्थ सही नहीं है उसे रिपेयर किया जा रहा है, और प्रोग्राम में भी हेल्थ में क्या चेक करते हैं, कौन सा ऐसा पार्टीशन है जो आप चेक करते हैं? हेल्थ में जो हमारा एमएलसीएलसीएल जो है, वेरी गुड, उसका उसमें आप देखते हैं कितना क्या परसेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी कंडीशन पता है भी आपको? हाँ सर पता है। तो अगर मैं बात करूँ एमएमसी से रिलेटेड, अभी तीन दिन की क्लास कंटिन्यू चल रही है, कैसी चल रही है मिलन सर? बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी चल रही है। पहले तो मैं यूएफओ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पर यहाँ पे हमारा जो तीन दिन का क्लास अभी चल रहा है तो बहुत कुछ जान गया, okay. तो बहुत इजी लग रहा है। अच्छा एक बात और बताइए कि उसके साथ साथ हैंड स्किल पे भी काम कराया जा रहा है, व्हाइट टेस्टेड ब्लैक टेस्टेड, क्योंकि अगर आपको एक आईसी को प्रोग्राम करना है तो एमएमसी को तो निकालना ही पड़ेगा। यस सर। तो एमएमसी अगर ब्लैक टेस्टेड हुआ, व्हाइट टेस्टेड हुआ, तो इससे पहले आप आईसी पे काम करते थे? नहीं, पहले आईसी में नहीं काम करता था। हमारा तो पहले थ्योरी होता है कि योगा के बारे में समझा देते हैं कि कोई कौन सा चीज को क्या कहते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में क्या होता है कि नहीं होता, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं। तो उसके बाद हम आईसी ब्लैक पेस्टेड हो उस आईसी को निकालते हैं। कितने बोर्ड में अभी तक काम कर लिया? दो बोर्ड में काम किया है सर, देख सकते हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा, वीवो का इतना टफ टारगेट होता है, पर इन्होंने देख सकते हैं वीवो की आईसी सीपीयू हो चाहे पैड हो, देख सकते हैं एक भी मिसप्रिंट नहीं हुआ है, और बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे VGA 254 भी इन्होंने निकाला है, जो कि इसकी भी सीपीयू भी निकाला हुआ है इन्होंने, क्या बात है। और देख सकते हैं क्या क्लीनिंग के साथ इन्होंने, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पेस्ट था ही नहीं, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने निकाल दिया और बोर्ड रख दिया? ब्लैक पेस्टेज में कभी काम ही नहीं किया, मतलब आईसी में काम ही नहीं किया, फर्स्ट बार इन दोनों मोबाइल में मैंने कॉल और आज मैं दोनों से सीपी और एमएमसी दोनों को निकाले हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। खुद से किया? यस सर। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आने वाला स्टूडेंट जो जो काम सीखना चाहता है तो वो यहाँ पे जरूर आना चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल, मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश जी चलिए आज हमें बताइए, तीसरे दिन में आज हमारी एमएमसी क्लास चल रही है, इससे पहले कभी आपने आईसी या एमएमसी पे काम किया है? कभी नहीं। क्योंकि अगर आपको एमएमसी में काम करना है तो उसकी कनेक्टिविटी होती है या तो आईएसपी पिन आउट या तो ई सॉकेट, तो अगर आपको आईएसपी करना है तो आपको जम्पर मारना पड़ेगा, अगर ई सॉकेट में यूज़ करना है तो आपको आईसी निकालना पड़ेगा। तो आईसी निकालने के लिए ब्लैक पेस्टेड या व्हाइट पेस्टेड होती है, तो अभी मैं बात करूँ नॉर्मल भी होती है, ऐसा नहीं केवल व्हाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड नॉर्मल भी आईसी होती है। तो अभी ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड पर अगर काम डेली आपको सिखाया जा रहा है? तीन दिन से तो रेगुलर कर रहे हैं। कैसे निकालना है, कितना टेम्परेचर, कितना हीट, कितना एयर होना चाहिए, कितने बोर्ड पे अभी आपने काम कर लिया? हम कल दो बोर्ड से किए थे, आज एक बोर्ड पर। बोर्ड दिखाइए। तो ये ऐसा तो नहीं है कि बाजू वाले का ले लिया हो और आपने काम ना किया हो? सर सभी के पास तो काम ही है ना। अच्छा, हमको देगा क्यों? अच्छा देगा क्यों, भी सही बात बोला आपने। सभी तो अपना काम कर रहे हैं ना। ओके ओके, तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छा हो रहा है सर। तो अभी ब्लैक पेस्टेड बोला जाए, चलिए लाइव निकालिए मुकेश जी, तो क्या आप लाइव काम करके दिखा सकते हैं? निकाल सकते हैं कॉन्फिडेंट के साथ 100%। कितने बॉल मिसप्रिंट होगी या नहीं होगी, क्या कॉन्फिडेंस बोलते हैं? देखिए प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना। पहले तो हम एक आध बार ट्राई भी किए थे, तो उससे पहले तो बॉल के सभी लेकर ही निकला था, सभी लेके निकला था। अभी कितना एयर देना है, कितना हिट रखना है, कितना टेम्परेचर, क्या कैसे निकालना, कब मूवमेंट करना है, कब ऐसी को मूव करना है या फिर उसको रिमूव करना है, ये सब कुछ पता चला? सब पता। पहले तो हमको मालूम था कि कंपनी इसको फिक्स कर दे, इसको उठाना ही नहीं है। पहले हमें सोचता था बिना ऐसे उठाए तो आज के डेट में काम ही नहीं है, बिना उठाया तो होना ही वाला है। यहाँ तक लो छोटा भी आईसी को ब्लैक पेस्टर से, तो अभी चाहे छोटी आईसी हो, बड़ी आईसी हो, कोई भी आईसी हो, उसको आप पर्टिकुलर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी रही सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से हैं? उड़ीसा से सचिन। उड़ीसा से सचिन जी बताइए, आज हमारी तीसरे क्लास में क्या क्या कराया जा रहा है? ब्लैक पेस्टेड में काम करना है। ब्लैक पेस्टेड में काम कराया जा रहा है, ब्लैक पेस्टेड में आज ही कराया जा रहा है कि तीन दिन तक कंटिन्यू? तीन दिन से कंटिन्यू है, हैंड स्किल के लिए। कितने बोर्ड पे काम कर लिया आपने? मैंने दो कर लिए। दो कर लिया है, बोर्ड दिखाइए थोड़ा सा। ये देख सकते हैं बोर्ड और क्या इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि। तो कैसा लगा ओवरऑल यहाँ पे? इससे पहले आप कभी आईसी लेवल पे काम करते थे? नहीं सर कभी नहीं। कहाँ सीखा आपने? सर समझ नहीं पाए।
आपने ब्लैक पेस्टर का काम कहाँ सीखा? नहीं नहीं कभी नहीं किया। अब कहाँ से सीखा? अभी एसए टेलीकॉम। एसए टेलीकॉम से। तो कैसा ट्रिक बताया जा रहा है? बहुत अच्छा है सर। ऐसा तो नहीं कि जो बता रहे हैं समझ में ना आ रहा हो? नहीं सर, पैड कुछ भी डाउट होने से आईसी आपसे बोर्ड फूल जा रहे हैं, आईसी रिवॉल्व नहीं हो पा रही है या फिर उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, पहले पहले नहीं हो रही थी, अभी सब एक बार में हो रहा है। एक बार में हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आईसी से रिलेटेड या एमएमसी के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, किस आईसी को मीडियाटेक क्वालकॉम को कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे उसको फिक्स करना है, ये सब कुछ बताया गया यहाँ पे? कैसी रही अभी तक की क्लास? बहुत अच्छी। अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहिए? आ सकते हैं सर। आ सकता है कि आना ही चाहिए? आना ही चाहिए। आपके पैसे वसूल कब हो गए थे? दो दिन, तीन दिन या आज हुए? नहीं, दो पहले सेकंड दिन में ही सब डाउट क्लियर हो गया। जी जी। और हमको कुछ भी कमी कर, अभी प्रैक्टिकल और सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक खत्म हो गया, डाउट ही खत्म हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? जी मैं नितेश कुमार, अयोध्या से सर। नितेश जी थोड़ा तेज बोलो, आज खाना कम मिला क्या? नहीं सर। तो नितेश जी आप हमें बताइए, आज हमारी एमएमसी क्लास चल रही है और एमएमसी क्लास के साथ साथ अभी ब्लैक पेस्टर की भी क्लास चल रही है? यस सर। तो इससे पहले ब्लैक पेस्टर कर पाते थे क्या? नहीं सर, पहले ही नहीं कर पाते थे। तो अभी अभी आपने काम किया है? यस सर। अभी तक कितने बोर्ड में काम कर दिया आपने? देख सकते हैं एक भी प्रिंट नहीं डैमेज है, और सॉरी तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई प्रिंट डैमेज नहीं है। और यहाँ पे तो बताइए कैसा लग रहा है अभी ब्लैक पेस्टर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसा कि हम बोलते हैं कि ब्लैक पेस्टर हलवा है, तो वाकई ब्लैक पेस्टर हलवा है क्या? यस सर, अब हो गया है सर। अभी हो गया है? इससे पहले काम कर पाते थे ब्लैक पेस्टर? नहीं, पहले नहीं करते थे। कहाँ सीखे आप? सर यहाँ एस टेलीकॉम में सीखे। तो अभी एमएमसी क्लास कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। तो एमएमसी क्लास में बात करूँ यहाँ पे एमएमसी से रिलेटेड, अभी तक चल रहे तीन दिन की ही क्लास हुई, अभी तीन दिन कंटिन्यू चल रहा है। अगर किसी का हेल्थ रिपेयर करना हो तो स्टेप बाय स्टेप पता भी आपको? यस सर, स्टेप बाय स्टेप पता करना है, कैसे आपको आइडेंटिटी करना है, कैसे सर ने कोडिंग बताया है? यस सर, मिलन सर ने सब बता दिया सर। अभी तक की क्लास कैसी रही? बहुत अच्छी रही सर। बहुत अच्छी रही। यस सर, चलिए ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम अंकुर सिंह, मैं यूपी का। अंकुर जी सर। तो अंकुर, आज हमारी एमएमसी की तीसरी दिन की क्लास चल रही है जी सर। क्या 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 कराया जा रहा है आज? सर ये हमारी दो आज तीसरे दिन हो गए सर, और प्रैक्टिस चल रही है हमारी इस पर ब्लैक पेस्टर्ड हो। ब्लैक पेस्टर्ड, वाइट पेस्टर्ड हो। तो अभी ब्लैक पेस्टर्ड व्हाइट पेस्टर्ड जैसे हम हलवा बोलते थे, तो क्या है वाकई में? सर बिल्कुल सेम ही हो गया, बराबर है। बराबर ही हो गया। अभी आपने किस बोर्ड पे काम किया? सर ये सैमसंग का व्हाइट पेस्टर्ड है जी सर। तो बॉल तो बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हुई, तो ऐसा कौन सा एनसी है, कौन सा ये पता है अभी आपको? जी सर, सर एनसी में मालूम है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग की, अभी बात करूँ 90% कंज्यूम की, MLC SLC क्या होती है, ये सारा कुछ अभी पता चला? जी सर, सब कुछ चल रही है मिलन सर की क्लास? सब बहुत अच्छी, सब कुछ मालूम मालूम हो गया, पता चल रहा है स्टेप बाय स्टेप जी सर। तो अगर मैं बात करूँ एमएमसी से रिलेटेड, अभी फोन अगर लोगों पे है और उसको फ्लैश हाँ, किया सर, आ रहा है सर, वही प्रैक्टिस चली आज हमारी, तो लगभग 4 से 5 फोन हम बना भी चुके हैं। अभी आप कितने फोन पे काम कर चुके ब्लैक पेस्टर? सर ये मेरा तीसरा फोन, तीसरा फोन पे काम कर रहे हैं आप? तो ऐसा तो नहीं केवल एक घंटे का काम करा रहे हैं, बोल रहे हैं हो गया सर, जब तक नहीं उठने देते जब तक सब बच्चों को ना हो जाए। डेली आपसे करा रहे प्रैक्टिकल? बिल्कुल। तो कैसे रही ओवरऑल अभी तक की क्लास? अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छा। तो आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर बोलना चाहूँगा कि जो मैं एज अ मैं भी फ्रेशर था सर, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझसे हो पाएगा या नहीं, तो मैं भी ये सोचता था, लेकिन यहाँ पर आगे सर लगा कि फ्रेशर भी बिल्कुल आगे यहाँ पर नॉलेज ले सकते और काम सीख सकते हैं बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर मैं बिक्कू प्रसाद, आसाम से हूँ। बिक्कू, आसाम से हैं आप? तो बिक्कू जी आप बताइए, आज हमारी तीसरे दिन की क्लास चल रही है, एमएमसी क्लास चल रही है जी सर। तो केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है कि प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है? तो सर प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ ब्लैक पेस्टर्ड व्हाइट पेस्टर्ड का भी काम सिखाया जा रहा है जी सर। तो अभी आपने जैसा कि सर ने बताया बहुत हार्ड है ब्लैक पेस्टर्ड निकालना? ना सर, पहले तो हार्ड लगता था जी, लेकिन अभी सर का टेक्निक के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं जी, तो हमें बहुत इजी ही लग रहा है। तो अभी मैं बात करूँ आपने कितने बोर्ड पे अभी तक काम कर लिया? मैं अभी तक 2 बोर्ड का काम कर चुका। 2 बोर्ड का काम, तो ये बोर्ड आप देख सकते हैं, ये ऐसा तो नहीं बात सर ने निकाला और आपने? नहीं सर, नहीं सर, ये खुद का बोर्ड है। एक भी एनसी तक इन्होंने ज़्यादातर डैमेज नहीं किया हुआ है, रिवॉल्विंग भी अच्छे से किया हुआ है, आईसी भी अच्छे से क्लीन किया हुआ है। तो कैसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि ये हम लोगों ने निकाल के दे दिया और ऐसा आपने क्लीन किया? सर खुद ही निकाले हम लोग, खुद से किया है सारा कुछ। कैसा लग रहा है बिकू जी, ऐसे लेवल ब्लैक पेस्टर्ड हो या व्हाइट पेस्टर्ड हो, कोई सा पेस्टर्ड हो? ब्लैक पेस्टर्ड मतलब कि हमारा मार्केट में मतलब बहुत हार्ड लेवल का ये आपका चीज़ है जी, जो कि मुझे खुद महसूस होता है, टच करने से मतलब फ़ोन ख़राब ही हो जाता था। ओके। और अभी लग रहा है कि मैं कर लूँगा और मैं कन्फर्म बोलता हूँ कि मैं कर सकूँगा इस चीज़ को, कर सकूँगा। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंट बेझिझक हमारा ऐसे टेलीकॉम आ सकते हैं,
और आशा करूँगा कि उन लोग जब भी आएंगे तो अच्छे से काम सीख के जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गेट सेट गो। एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूँ, आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सर, रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर। या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।